जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हमारे पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का आईए का इंग्लिश का क्वेश्चन आ चुका है। हमने प्रीवियस वीडियो में 10 ऑब्जेक्टिव बताया भी था, बट उसमें हमने प्रॉमिस किया था कि हम कुछ देर में आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देंगे, बट कुछ काम आने के वजह से थोड़ा 1.5 घंटे लेट हो गया, तो उसके लिए हम सॉरी बोलना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, या तो आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। है तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। एक एक करके हम सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखेंगे, और आप हमें अंत में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने 50 में से कितना सही बनाया है, यानी आपने जिस 50 को बनाया उसमें से आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए चलते हैं नंबर एक में। दी साइनोनाइम ऑफ थिन, साइनोनाइम का मतलब होता है समानार्थी, ठीक है। तो थिन मिस पतंदा और स्लिम मिस भी पतंदा। आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, तो इसका हो जाएगा आई एम टू बी सरप्राइज्ड, इसको एक्टिव वॉइस में चूज करना था, ठीक है। द एंटोनाइम ऑफ माइटी, माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, तो शक्तिशाली का एंटोनाइम मतलब उल्टा, यानी कमजोर, वीक, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नंबर चार पे। तो नंबर चार पे देखिए, आई एम गुड इन टेनिस, मैं टेनिस में अच्छा हूँ। सी इज कॉन्शस ऑफ हर फॉल्ट्स, ठीक है, सी इज कॉन्शस ऑफ हर फॉल्ट्स। फिर आगे हम लोग चलते हैं नंबर सिक्स में। ब्लैंक पीपल थिंक देयर विल बी पीस सून, मैनी पीपल थिंक देयर विल बी पीस सून। अब आगे हम लोग चलते हैं नंबर सात में। मोर देन 60 बॉयज हैव पास्ड इन दी फर्स्ट डिवीजन, इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है 7 का A, ठीक है। अगर देखिए आपके पास दूसरा सेट्स है तो प्रश्न तो एक ही होगा, बट डिफरेंस ये हो सकता है कि अगर हमारे पास ये प्रश्न नंबर 7 है तो आपके पास 20 हो सकता है। तो आप थोड़ा ध्यान से आप वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके आप एक एक करके मिला के ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। यू एंड ऑन बेयर टू ब्लेम फॉर दिस, चूज दी करेक्ट निगेटिव सेंटेंस, इसको निगेटिव में बदलना है, तो इसका होगा बी नंबर, नॉन बट यू बेयर टू ब्लेम फॉर दिस। दी मैन कम इमीडिएटली, आदमी अचानक से आ गया। चूज दी इनकरेक्ट सेंटेंस, सी सफर्स एट फीवर, ठीक है। आगे चलते हैं नंबर 11 में। दी पियोन रिंग्स दी बेल, यानी पियोन घंटा बजाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे नंबर 12 में। चूज दी करेक्टली स्पेंट वर्ड, तो देखिए इसका करेक्टली स्पेंट वर्ड ए नंबर है, जिसने इस प्रश्न को बनाया उसने पता नहीं क्या सोच के सी को मार दिया, ठीक है। नॉलेज वी आर टाउट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार, चूज दी करेक्ट एक्टिव वॉइस, तो मिस्टर कुमार टीचेस अस हिस्ट्री। फिर आगे हम लोग चलते हैं नंबर 14 में। ही ब्लैंक हैव अराइव्ड बाय 4 PM, तो देखिए ही के साथ विन रखता है ना कि शायद, तो 14 का D। इट ब्लैंक वेन वी वेंट आउट, इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी जब हम बाहर गए। आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर में। ही सेड दैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ, तो इसका होगा 16 का A, इसको डायरेक्ट नरेशन में बदलना। ही सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मुझे परेशान मत करे, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू परस्यू ए कैरियर इन द इंजीनियरिंग, तो परस्यू के जगह ए कंपनीज। फिनिश इट विद इन 2 days, 2 दिनों के भीतर इसे समाप्त करो। फिर आगे हम लोग चलते हैं नंबर 20 में। श्वेता हरसेल्फ, लड़की है तो हरसेल्फ, अगर लड़का होता तो हिमसेल्फ। एवॉइड स्मोकिंग, बी नहीं डी। फिर आगे हम लोग चलते हैं 22 में। सी नीड्स ए सूट, तो करेक्ट ऑप्शन डज नॉट सी, इसको निगेशन में बनाना है, निगेटिव में, ठीक है। दी फ्यूनरल रूट्स आर ओवर, वेयर आर दी रेस्ट ऑफ दी बॉयज,
फिर आगे हम लोग चलेंगे 24 के बाद नंबर 25 में, गिव वन वर्ड सुटेबल फॉर फिट टू बी इटेन, इटेन फिट टू बी इटेन का पैटर्न, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, ओपन द डोर प्लीज, तो ओपन का उल्टा, ओपन मिस खोलना, क्लोज मिस बंद करना, तो इसका हो जाएगा 27 का ए, ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम, उसने पूछा टाइम क्या हुआ है, ठीक है, तो 28 नंबर का हो जाएगा ही सेज दैट व्हाट इज द टाइम इज, 28 का डी। अब हम लोग चलेंगे 29 में, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो देखिए इसमें प्लेंटी का पी एल ई एन टी वाई, हैव यू रीड द रामायणा, रामायणा एक महाकाव्य है और महाकाव्य इपिक के साथ हमेशा दी का प्रयोग होता है, ही इज ट्रू फॉर हिज फ्रेंड्स, स्टडी हार्ड यू बिन नॉट पास्ट, तो स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, यानी स्टडी करिए वरना आप पास नहीं होंगे, ये आपके जीवन में भी लागू होता है, इसलिए हार्ड स्टडी करना जरूरी है। आगे चलते हैं 33 में, अजय सेड टू दी गर्ल आई नो यू, अजय टोल्ड दी गर्ल दैट ही न्यू हर, ठीक है, 33 का बी। अब आगे चलते हैं 34 में, मे यू अनदर कप ऑफ टी, ये सही है, योर परफ्यूम हैज ए सॉरी परफ्यूम सॉरी योर परफ्यूम परफ्यूम या परफ्यूम ने योर परफ्यूम हैज ए वंडरफुल सेंट, आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। फिर आगे हम लोग देखेंगे 37 में, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो 37 का हो जाएगा द मोर वी गेट द मोर वी वांट, यानी जितना हमें अधिक मिलता है हम उतना अधिक चाहते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय ए कार, ए डॉट ऑफ शिप कप क्रॉस द पैसिफिक ओशियन, क्योंकि समुद्र महासागर के नाम के साथ भी दा लगता है, चूज द करेक्टली स्पेंट वर्ड एस यू डबल सी ई डबल एस एफ यू एन सक्सेसफुल मीन्स सफल, ठीक है। आगे अब हम लोग चलेंगे 41 नंबर में, आई सैन राइट ए लेटर, तो देखिए आ ए लेटर विन बी रिटन बाय मी नॉट ए डी नंबर, ठीक है, ए मैन हु इज लाइक्ड बाय ऑल इट्स कॉल्ड, यानी एक आदमी जो कि सभी के द्वारा पसंद किया जाता है, तो वो बहुत अधिक पॉपुलर होता है, लोकप्रिय होता है, जिस वजह से वो बहुत अधिक पसंद किया जाता है, ए पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली विन गो फर्दर और फार्दर फर्दर, ठीक है, 43 का मुझे लग रहा है डी होगा, फार्दर, ठीक है, फर्दर नहीं फार्दर, चूज द ऑड वन, तो देखिए वोमेन मिस महिला लड़की महिला, तो मैन मिस पुरुष, तो डी नंबर होगा, ये बहुत ईजी था, पता नहीं क्यों गलत, आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टूडे, सी इज राइटिंग ए बर्थडे मैसेज, डू यू हैव टी एट 5, What is the time at your watch? ठीक है, What is the time at your watch? अब हम लोग चलेंगे 49 में, Choose the correct sentence. He is in a good health. I went to the market. I bought several things. तो इसका हो जाएगा Choose the correct combination. I am going to the market by for buying several things. यानी 50 का ए हो जाएगा, ठीक है, मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एट्स, हाँ सही है, ट्राई अगेन एंड यू विन सक्सेस, देयर इज ए विलेज बीनीथ द हिल्स, यानी हिल के नीचे एक गांव है, यानी पहाड़ी के नीचे एक गांव है। तो देखिए आधा प्रश्न समाप्त हो चुका है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप भी बताएं कि आपका कितना सही हुआ है अंत तक वीडियो को देखकर, ठीक है। चूज दी करेक्टली स्पेलिंग, तो वॉबलिंग बी, चूज दी करेक्टली सिम्बल ऑफ पार्डन मिस क्षमा मांगना, फॉरगिव मिस क्षमा करना, ठीक है। 60 पीपुल्स मीन्स ए ह्यूज पार्टी, चूज द करेक्ट सेंटेंस, वी नीड टू गुड फूड, वी नीड गुड फूड, वी नीड गुड फूड, 56 का बी। 57 का एवरी वन हैज टू पे फॉर हिज मिस्टेक, यानी सभी को अपने गलती का सजा चुकाना पड़ता है, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिज डिसीजन, मे गॉड ब्लेस हर, 59 का ए। आगे चलते हैं 60 नंबर,
वी मस्ट अप्रोच हिम, तो ही मस्ट बी अप्रोच, यानी 60 का भी ए होगा। फिर आगे अब हम लोग चलेंगे 61 नंबर में, ठीक है। देखिए एक एक करके हम आपके लिए बहुत मेहनत करके सबका सॉल्यूशन को लाते हैं, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप भी हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके आप भी हमारे लिए अपना काम को करें। हम अपना काम करते हैं आपके लिए ला करके। When I crumble, who will remember is taken from, तो इसका हो जाएगा फायर हाइमन। ए डस्ट होम ब्लैंक बोर सेप्ड मेड अवेयर इंग्लैंड। ही इज ब्रोकन एवरी वुमेन लॉ ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी इज टेकन फ्रॉम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू पारसीज। विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एशियन एंशियंट पीपल, तो इसका हो जाएगा इंडिया, ठीक है, हमारा इंडिया ही होगा इसका। अब आगे हम लोग चलेंगे 66 में। द स्टेट ऑफ ब्लैंक इज स्वेंटरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, तो इसका हो जाएगा न्यू जर्सी। ब्लैंक आर केयरफुल नॉट टू एंटोगाइज द प्रेस पॉलिटिशियंस। ओ हाउ फीवर इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम, तो इसका हो जाएगा दी सोल्जर, यानी डी नंबर। अब आगे हम लोग चलेंगे 69 में। एंड मस्ट वेट मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट दी ट्रफ बिफोर मी इज टेकन फ्रॉम, तो ये जो लिया गया है ये लाइन लिया गया हमारा फायर हाइमन से। फिर आगे हम लोग चलते हैं 70 नंबर में। Who wrote summer in Kolkata, यानी किसने लिखा कोलकाता में समर, तो इसको लिखा है केकी एन दारू बाला ने। फिर आगे अब हम लोग चलते हैं 71 में। इन वाटर डी ला मेयर्स सॉन्ग देयर इज ए नॉट ऑफ, तो इसमें हो जाएगा एक्साइटमेंट। फिर आगे अब हम लोग चलेंगे 72 में। माई टंग एवरी ड्रॉप ऑफ माई ब्लड आई एम थैंकफुल टू दी वेस्ट फॉर मैनी ए थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम, तो ये हमारा लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अब आगे हम लोग चलते हैं 74। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक इट इज अलाइव एंड डायनामाइक, तो यह हम लोगों का दिया गया है, ये लाइन दिया गया दी आर्टिस्ट। दी मदर ऑफ दी नरेटर वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी दी मिनिस्टर ऑन संडे, तो देखिए 75 हो चुका है, तीन कोना 3/4 हो चुका है, अब सिर्फ 25 बचा है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दे। अब आगे हम लोग चलते हैं 76 नंबर में। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेट अस नॉट वेंडी इन दी वैली ऑफ अलाबामा। टूडे ब्लैंक इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है, अमेरिकन और एक ब्रिटिश इंग्लिश, तो ब्रिटिश तो दिया नहीं है तो अमेरिकन ही हो जाएगा ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था गीतांजलि। मनोहर मानगोनकर इज एन इंडियन राइटर, ये क्या थे, एक इंडियन राइटर थे। हु रोट आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स और मैन किसने लिखा, जी बी साव। Who composed Leaves of Grass, तो Leaves of Grass किसने लिखा था, जॉन कीट्स। अब आगे हम लोग चलेंगे 82 नंबर में। Snakes were seen among bed covers in my grandmother's house, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। कितना 82 हो चुका है, अब बचा है ओनली 18। The Anglo-Saxons used blank language, तो Anglo-Saxon जो है ग्रीक लैंग्वेज का यूज करते हैं। New varieties of English emerged after the colonies of British Empire acquired
तो इसका हो जाएगा फ्रीडम. ही हर्ड द लुक ऑफ बीइंग ए सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन इज टेकन फ्रॉम, तो ये लिया गया दी आर्टिस्ट से, ठीक है, यानी ए नंबर. अब चलते हैं 86 में, पियर्ल एस बक इज द राइटर ऑफ बुक्स. तो ये जो है 86 में हमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है कि ये कम माई बिलोव्ड या बम्बई डिवेयर बिवेयर में कुछ होगा. तो आप इसका जो है ना आंसर आप कमेंट में बताएं हमें कि इसका आंसर क्या होगा. आप इसका आंसर कमेंट जरूर करें. दी नेम ऑफ लोमोब्स डॉग इज, तो लोमोब डॉग का नाम था लीप. अब आगे हम लोग चलेंगे 88 नंबर में, नानू काका स्टूड इन दी डोरबे ऑफ ए ब्लैंक क्लास कैरेज. तो इसका हो जाएगा सेकेंड क्लास कैरेज. दी लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी. आगे चलते हैं 90 नंबर में, दी रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ वर्ड्सवर्थ, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ. The blank had far reaching effects on the English language. तो इसका हो जाएगा Renaissance. English is used as a foreign language in India. ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं 93 में, when the poet saw the snake it was a very warm day. I celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume is taken from. तो ये लिया गया है हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि देखिए सॉन्ग सॉन्ग बार बार आ रहा है ना, सिंग सॉन्ग, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. ऑर्डन वॉन द पुलिट्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम, तो ये हो जाएगा द एज ऑफ लव. कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लॉर्ड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम, तो ये हो जाएगा हमारा 96 का सी नंबर, फायर रहमान. अब देखिए हम बिल्कुल अंतिम पेज में पहुंच गए हैं. अब जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए. ठीक है, कर दिया सब्सक्राइब. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. बेरट्रांड ए डब्ल्यू रसेल वाज ए ब्रिटिश फिलोसफर. ठीक है, द नेक्स्ट डे द टीचर गिव सीबीज कॉन्फिसेटेड गॉड टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्कड इज द स्कूल इज टेकन फ्रॉम. तो ये हमारा लिया गया ए चाइल्ड इज बोर्न. द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड वर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर, तो ये हो जाएगा सी नॉन. थ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट वेन पीसेज कम ब्लैंक इज रिस्टोर्ड, तो क्या रिस्टोर हो जाता है, फुल फ्रीडम. तो देखिए हम लोगों ने आज 100 में आपको 99 बताया है, बस एक में कन्फ्यूजन था जिसका उत्तर आपको कमेंट में देने को बोल रहा है. तो आप हमें कमेंट में ये भी बताएं कि आपका कितना सही हुआ, हमें देखकर बहुत खुशी होगी. आप वीडियो को देख के इग्नोर ना करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अभी इसका और भी सब्जेक्टिव बचा हुआ है और फिजिक्स का भी सब्जेक्टिव बचा हुआ है, तो आज रात में उसका सॉल्यूशन आ सकता है. रात में नहीं आया तो सुबह जरूर आ जाएगा. तो अगर आप 10th 11th में पढ़ रहे हैं, अगर आप क्लास 10th में भी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. क्लास 10th का भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा जब एग्ज़ाम होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद. जय हिंद.